पिछले कुछ वीडियोस में मैंने ऐसी रेसिपीज़ की हैं जो बैचलर्स को डेडिकेटेड हैं। आज भी हम एक पनीर की डिश ऐसी बनाने वाले हैं जो बैचलर्स या जो लोग अकेले रहते हैं वो आसानी से बना सकते हैं। आज की रेसिपी किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज भी नहीं है, तो बनाना शुरू करते हैं हम पनीर भुर्जी। वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपकी शेफ एंड दोस्त सुगंधा और आप मुझे देख रहे हैं आपके चैनल आउट ऑफ फैशन पे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और नीचे दी गई बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पनीर भुर्जी के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल को गरम कर लीजिए। तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून जीरा। जीरे के बाद बारी है 2 मीडियम प्याज की, जिसको फाइनली चॉप कर लिया है। प्याज को मीडियम हीट पे करीब 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लीजिए। प्याज को फ्राई होते होते करीब 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये ट्रांसल्यूसेंट हो गया है। अब इस प्याज में मैं डाल रही हूँ 1 मीडियम टमाटर बारीक कटा हुआ। अब प्याज और टमाटर को एक साथ भून लीजिए करीब 3 से 4 मिनट के लिए। और अब डालते हैं कुछ सूखे मसाले। सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी और ज़रा सा पानी ताकि हमारे मसाले जले नहीं। अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए और भून लीजिए। पनीर भुर्जी का मसाला तैयार है, अब बारी है इसमें 200 ग्राम पनीर डालने की। अब पनीर को अच्छे से मसाले के साथ में मिक्स करके करीब 1 से 2 मिनट के लिए और भून लीजिए। नाउ फॉर द लास्ट एंड फाइनल स्टेप, हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घर की मलाई या फ्रेश क्रीम, विच इज कम्प्लीटली ऑप्शनल, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और थोड़ा सा हरा धनिया। मलाई डालने के बाद में हमने पनीर भुर्जी को करीब 1 से 2 मिनट के लिए कुक और कर लिया है। तो अब इसे सर्व करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की आसान सी पनीर भुर्जी की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और नीचे दी गई बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।